हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमें 2 दिन हुए हैं अभी यहाँ आए हुए, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पहले भी हम लोग कई बार पहाड़ों पे जा चुके हैं, पर दिस टाइम इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन से स्नोफॉल हो रही है, और हमें बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का मतलब वी आर एबल टू यू नो एक्सपीरियंस दिस प्लेजेंट वेदर। स्नोफॉल हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वी आर एबल टू एक्सपीरियंस हेवन। जैसे हम लोग किताबों में शब्द पढ़ते हैं जन्नत, या हम सीनरीज को देखते हैं पिक्चर्स में, तो एक्चुअल में वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट सीनरी व्यू, दैट ब्लेसिंग फीलिंग ऑफ यू नो वी आर फीलिंग दैट वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सो मच इन नेचर दैट वी कैन एक्सपीरियंस, वी कैन बी यू नो थैंकफुल अबाउट, वी आर थैंकफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स टू गॉड दैट वी हैव सो मच विच वी कैन सी एंड विच वी कैन बी ग्रेटफुल ऑफ। शिमला अगर हम कहते हैं कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, तो सही मायने में हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आना चाहिए। और ऐसे टाइम पे जब यहाँ स्नोफॉल है और यहाँ का वेदर इतना प्लेजेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और हमें ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए शिमला को। हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम खास तौर पर नेट पे बर्फ़ देख रहे थे कि स्नोफॉल होगी, काफ़ी उम्मीद से आए थे, और कल तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई और रात सुबह हल्की हल्की जो धूप निकली है, इससे तो नज़ारा और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति की सफ़ेद बर्फ़ की चादर ढकी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है चारों तरफ का। हम इसी नज़ारे को देखने की उम्मीद से आए थे और ये हमें मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चरों में देखी थी, इससे पहले नैनीताल गए थे लेकिन इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं हुई थी वहाँ पर यहाँ पर तो मन बहुत ही अच्छा हो गया है ऐसा नज़ारा देख करके। जी बहुत अच्छा रहा, और आज तो इतने अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कल तो बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी और आज धूप निकलने पर और अच्छे व्यू हो चुके हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये मैसेज है कि सभी आओ और मजे लो।